हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्मार्ट कुक चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनीषा है। आज मैं आपको आलू के कोफ्ते बना करके दिखाऊंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ मैंने एक कटोरी बेसन ले लिया है, मैंने पहले से छान के भर लिया था कटोरी में। एक आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, एक चम्मच मिर्ची पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर, ये थोड़ी सी अजवाइन है, इसे हाथों से क्रश करके तो डालेंगे, इससे अच्छा टेस्ट आता है। ये थोड़े सा गरम चाट मसाला, अब इन सबको सब अच्छे से मिलाएंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए घोल लगाएंगे, ज़्यादा पतला घोल नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा ही डालें जिससे मिलाते जाएं, डालते जाएं। हमारा घोल लग तैयार हो गया है। ये मैंने आलू मैश कर लिए हैं, उबले हुए आलू हैं, ये मैंने पहले से ही मैश करके धर दिए। एक बारीक कटी हुई मिर्च प्याज डालेंगे, दो तीन बारीक कटी हुई मिर्च डाल रही हूँ मैं, और दो तीन कली लहसुन की बारीक कटी हुई वो डाल रही हूँ। अब थोड़ा सा हरा धनिया, अब मसाला ऐड करेंगे, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच मिर्ची पाउडर, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, एक चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, इससे टेस्ट और बढ़ जाता है मसाले का। मैगी मसाला हो तो मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। ये हमारा मसाला बनके तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इनके छोटे छोटे नींबू जितना साइज़ के बॉल्स बनाएंगे। आप छोटे पकोड़े बनाना चाहते हैं तो छोटे बनाएं, वरना नींबू जितना साइज़ का परफेक्ट रहता है। उधर हमारा तेल गरम हो रहा है और हम 5-7 बनाकर बॉल्स धरेंगे और फिर तल के दिखाएंगे। ये हमारे बॉल्स बन गए हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बेसन डाल के देखा था, गरम तेल हो चुका है। अब हम पकोड़े तलेंगे। एकदम गरम तेल कर लें, मंदा बिल्कुल भी ना करें गैस को,
क्योंकि अंदर की स्टफिंग तो बिल्कुल तैयार है, बस बाहर का बेसन ही सेकना है। सुनहरे हो चुके हैं, ये हमने निकाल लिए हैं पकौड़ों को। आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। अब सभी पकौड़ों को ऐसे ही तलेंगे। गाइस, आप अपने घर पे ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मैंने 2-3 मिर्ची भी तली थी, थोड़ा सा बेसन बच गया था मेरे पास, मैंने फिर उसमें मिर्ची तली थी। मिर्ची तलने से पहले एक बार कट ज़रूर लगा लें मिर्ची के अंदर, और फिर उनको बेसन के माँ डिप करके फिर तेल में छोड़े, जिससे वो फटेगी नहीं। आप अपने घर पे ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली वीडियो बने, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।